हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, स्वागत। इस नए वीडियो में बात करने वाले हैं, बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकल के आ रही है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAAI के तरफ से। रिक्रूटमेंट जो है यहाँ पे जूनियर एग्जीक्यूटिव का है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के। इन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर यहाँ पे लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/2022। और ये वैकेंसी फ्रेंड्स ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। काफी कमाल की वैकेंसी है। यहाँ पे जो वैकेंसी रहने वाली है फ्रेशर्स के लिए भी रहने वाली है। 400 से ज्यादा पोस्ट यहाँ पे रहने वाले हैं। ऑल इंडिया वैकेंसी है फ्रेंड्स। आप किसी भी राज्य से आते हैं तो फॉर्म को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन्वाइट्स एप्लीकेशन फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू AAI वेबसाइट। यानी इस वेबसाइट से आपको जो फॉर्म को अप्लाई करना है ऑनलाइन मोड में। और यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, बताया गया है कि आपको जो क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो इसका जो पोस्ट का नाम है जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, जिसको बोलेंगे मिनिमम क्वालिफिकेशन। मिनिमम में बोला गया है कि कम से कम आप जो है 3 साल का डिग्री, अगर आपने जो BSc फिजिक्स एंड मैथ के साथ कर रखा है बैचलर डिग्री, BSc साइंस जिसमें आपका सब्जेक्ट होना चाहिए वो होना चाहिए, साइंस होना चाहिए विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। या बोला गया है कि फुल टाइम आपने जो है बैचलर डिग्री किया हुआ है इंजीनियरिंग में। इंजीनियरिंग जो डिसिप्लिन होता है जैसे कि फिजिक्स मैथ शुड भी होना चाहिए उसमें, तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे बोला गया कैटेगरीज ऑफ डिसेबल सुटेबल फॉर जॉब, जो भी मतलब डिसेबल्ड पर्सन है उनके लिए क्या होनी चाहिए और उनका जो फिजिकल रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे जो यहाँ पे बोला गया, मतलब किस तरह के डिसेबल्ड पर्सन है तो आवेदन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं फ्रेंड्स, काफी अच्छी वैकेंसी है। यहाँ पे बोला गया कि नो एक्सपीरियंस इज एसेंशियल, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। साथ ही साथ बोला गया है कि द कैंडिडेट शैल हैव मिनिमम प्रोफेंसी इन बोथ स्पोकन एंड रिटेन इंग्लिश, मतलब आपको इंग्लिश जो है बोलना और लिखना आना चाहिए। 10+2 स्टैंडर्ड में आप इंग्लिश पढ़े भी होना चाहिए, जिससे कि द कैंडिडेट शैल हैव पास्ड इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन 10th एंड 12th स्टैंडर्ड। 10वीं 12वीं क्लास में आप इंग्लिश पास होने चाहिए और आपको अच्छे तरीके से जो है इंग्लिश बोलना आना चाहिए और लिखना भी आना चाहिए। ग्रेजुएशन यहाँ पे रखा गया है BSc फिजिक्स मैथ के साथ, तो अप्लाई कर सकते हैं। 400 पोस्ट है और सैलरी भी बहुत ही कमाल की, मैं आपको सैलरी आगे बताऊंगा। साथ ही साथ बता दूं फ्रेंड्स, अगर आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। dshelpingforever.com की वेबसाइट पे आके आप जो है यहाँ से शॉर्ट इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। 15/6 से इसका ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा और 15/6 को मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है। जनरल ओबीसी के लिए 1000 रुपये और बाकी SC ST फीमेल के लिए 81 रुपये एप्लीकेशन फी आपको यहाँ पे जमा करना होगा फॉर्म फिलअप करने के लिए। मैक्सिमम एज 27 ईयर्स रखा गया है और यहाँ पे भी आपको शॉर्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, सैलरी के बारे में मिल जाती है। 40,000 से सैलरी आपको स्टार्ट है और जो इसका CTC है वो 12 लाख पर एनम है, तो काफी अच्छा CTC देख सकते हैं पर एनम। फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव वुड बी अराउंड 12 लाख ऑफ अप्रोक्सीमेटली, तो काफी कमाल की वैकेंसी होने वाली है। जॉब ये जो है बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। आइए अब जानते हैं इसके और आगे नोटिफिकेशन के डिटेल्स के बारे में। यहाँ पे एज लिमिट आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि जो बोला गया मिनिमम जो है 18 और मैक्सिमम 27 ईयर्स रखा गया है, जो कि 14/7/2022 तक काउंट करेंगे। अगर आप मिनिमम 18 मैक्सिमम 27 कंप्लीट कर लेते हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि डिग्री शुड बी, तो यहाँ पे बोला गया कि अगर आप फॉर्म रिकॉग्नाइज डीमिड यूनिवर्सिटी फ्रॉम एन अपेक्स इंस्टीट्यूट, जैसे IIT IIM रिकॉग्नाइज बाय द गवर्नमेंट, और परसेंटेज ऑफ मार्क्स मिनिमम 60% है, मतलब जो लोग IIT वगैरह भी किए हैं वो लोग भी यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अथवा में मतलब यहाँ पे बोला गया नोट यहाँ में। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आपको जो है एज लिमिट बताया गया है कि मिनिमम एज आपका जो है मैक्सिमम एज बोला गया मिनिमम 18 ही होता है, जो ग्रेजुएशन कंप्लीट करेगा ऑब्वियसली वो 18 कंप्लीट कर ही जाता है। तो मिनिमम 18 मानिए, मैक्सिमम 27 वर्ष, और यहाँ पे 14/7/2022 तक आप कंप्लीट किए हुए हैं इस एज लिमिट को, तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अपर एज में आपको छूट यहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसे कि SC ST को 5 साल और 3 साल OBC को, अपर एज में आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये चीजें आपको यहाँ पे बताई गई है। साथ यहाँ पे फ्रेंड्स आपको जो इम्पोर्टेंट डेट्स बताए गए हैं कि कब से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गए, तो इसका ऑनलाइन जो स्टार्ट होगा 15/6 से स्टार्ट होगा और 14/7 तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस वेबसाइट से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। मैं आपको एक सेपरेट वीडियो ला दूंगा कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, जैसे इसका ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा 15/6 को। तो आप जो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को लाइक करके रखिए। पे स्केल काफी अच्छा खासा है जूनियर एग्जीक्यूटिव, यहाँ पे देख सकते हैं 40,000 से सैलरी आपको स्टार्ट होगी और
बाकी जो भी आपके खर्च होते हैं, बेसिक पे वगैरह, अलाउंसेंस, पर्क, जो भी एचआरए वगैरह बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, सब चीज आपको मिलेंगी। और जो सीटीसी यहाँ पे देख सकते हैं आपको जो बोला गया है, पर एनम आपको 12 लाख यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली रहने वाले हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए अराउंड में बताया गया है। तो काफी अच्छी खासी वैकेंसी है, इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन बताया गया है, आप यहाँ पे एक बार जरूर पढ़ेंगे। ओनली इंडियन नेशनल यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करेंगे और यहाँ पे जो भी आपका एलिजिबिलिटी है, एज है, एक्सपीरियंस है, हालांकि एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा गया है, वो सब जो है 14/7/2022 तक जो है आपका फुलफिल होना चाहिए, तो ही आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ओबीसी के बारे में कुछ बताया गया है और भी जानकारी यहाँ पे बताया गया, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह के बारे में, SC/ST अगर कोई आवेदन कर रहा है तो जो है 14/7/2022 के पहले अपना जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है जरूर अपना वो बनवा लेंगे, उसी में आपको अपलोड करना होगा, मे बी इसीलिए वो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में बताया गया है। तो आप एक बार जरूर चेक करेंगे सभी इंफॉर्मेशन को। बाकी सिलेक्शन प्रोसेस बताया गया है यहाँ पे नीचे में कि अगर आप यहाँ पे फॉर्म को फिल करते हैं उसके बाद से आपका एडमिट कार्ड जारी होता है, एडमिट कार्ड यहाँ बोला गया कि जारी होगा और बोला गया कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन होंगे आपके, एडमिट कार्ड इशू करे जाएंगे सभी कैंडिडेट्स का, और उसके बाद से एडमिट कार्ड जब आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होंगे और आपको जो है ऑनलाइन ही भेज जाएंगे, और एलिजिबल जो भी कैंडिडेट्स ऑन देयर रजिस्टर ईमेल आईडी, उनके ईमेल आईडी भी भेजे जाएंगे। तो ये चीज यहाँ पे बताई गई है। साथ ही साथ बोला गया है कि देयर विल बी नॉट बी एनी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर अटेम्प्ट बाय द कैंडिडेट्स, कोई भी आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा जो भी आपका रिटर्न एग्जाम होने वाले हैं। और उसके बाद से रिटर्न एग्जाम के बाद से फ्रेंड्स आपको जो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी फॉलोड बाय द डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, वॉइस टेस्ट एंड बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। तो ये चीजें आपको जो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन में सब चीज जो है टेस्ट करे जाएंगे, और बोला जाएगा कि यहाँ पे जो है आपको कैंडिडेट्स विल बी ऑल्सो टेस्ट फॉर साइको सबस्टेंस बिफोर इम्प्लॉयमेंट, मतलब आपको जो है ज्वाइनिंग से पहले आपका जो है साइको सबस्टेंस जो है एग्जाम टेस्ट करे जाएंगे, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं बताई गई है सारी जानकारी। तो ये सारी चीजें हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, रोल नंबर ऑफ द कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, वॉइस टेस्ट विल बी डिक्लेयर ऑन, मतलब इसी के वेबसाइट पे आपको जो सारी जानकारी, जैसे एडमिट कार्ड हुआ या वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वॉइस टेस्ट वगैरह, सभी इसी के वेबसाइट पे आपको जो है रखे जाएंगे और इसी की वेबसाइट पे आपको सारी जानकारी मिली जाएगी। साथ ही साथ आपको जो आप फॉर्म फिल करेंगे, जो आप इसमें ईमेल आईडी डालेंगे, उस ईमेल आईडी पे भी आपको जरूर भेजे जाएंगे सारी जानकारी को। तो जब भी आप फॉर्म फिल करते हो फ्रेंड्स, भले ये हुआ या और कोई भी फॉर्म फिल करिए फ्यूचर में, आप अपना ईमेल आईडी सही से फिल करिए और ईमेल आईडी को अच्छे से रखिए, ताकि जो है आपको जब भी एडमिट कार्ड आए या जो भी रिजल्ट आए, कुछ भी अपडेट आए वैकेंसी के रिगार्डिंग, तो आपको वहां पे मिल सके। ये सारी चीजें आपको वहां पे देख सकते हैं बताई गई है। और इसके बाद से बताया गया हाउ टू अप्लाई, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, मैं जो है एक अलग से सेपरेट वीडियो ला दूंगा जैसे इसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, हाउ टू अप्लाई वाले सेक्शन आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, सारी जानकारी यहाँ पे बताई गई। एप्लीकेशन फी बोला गया है कि आपको जो है 1000 रुपये एप्लीकेशन फी जमा करने हैं और SC/ST फीमेल को जो है 81 रुपये एप्लीकेशन फी जमा करने हैं। तो ये चीजें आप यहाँ पे देखेंगे। साथ ही साथ बोला गया कि इंस्ट्रक्शन आपको फोटोग्राफ कैसे होनी चाहिए, तो 3 मंथ से ज्यादा पुराना फोटोग्राफ नहीं अपलोड करनी है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हाल ही का खींचा हुआ आप अपलोड करनी है, उसके बाद सिग्नेचर अपलोड करनी है, और साइज बताया गया फोटोग्राफ का 20 से 50 KB, और इमेज जब आप अपलोड करेंगे सिग्नेचर वाला इमेज तो 10 से 20 KB के बीच होनी चाहिए। बाकी जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे बताया गया है कि आप जो है सभी जानकारी को अच्छे से फिल करेंगे और बाकी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें फ्रेंड्स आप एक बार जरूर चेक करेंगे अगर आप इंटरेस्टेड हैं। तो काफी कमाल की वैकेंसी फ्रेंड्स ग्रेजुएशन पास के लिए है, जो लोग ग्रेजुएशन जो है मैथ और फिजिक्स के साथ पास है उनके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, वो यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करेंगे, जरूर अप्लाई करेंगे ताकि उनका सिलेक्शन अच्छे से हो सके। और सैलरी भी बहुत ही अच्छी खासी है और जॉब भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी की जॉब यहाँ पे आपको मिलने वाली है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको जानकारी समझ में आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए DS Helping Forever। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।